ये पैलेस बिल्कुल शहर के दरमियान में है, जो सियोल सिटी बिजिएस्ट सिटी है, और ये खूबसूरती के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सराउंडिंग में जो है वो सब बिल्डिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम फैसल है और मैंने इससे पहले भी एक पैलेस के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जो कि था ख्योंगबुकखुंग पैलेस। आज हम आए हैं द्योक्सोखुंग पैलेस में, और ये मेरे पीछे है, अभी इसका विज़िट करते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे जो पुराना कल्चर था जोसिन डायनेस्टी के जो रूलर टाइम में जो बना था। ये जापान की वॉर के बाद जो स्टार्ट हुआ था, इन्होंने दोबारा से इसको रेनोवेट किया है, 1910 में इसको रेनोवेट करके दोबारा बनाया गया है। तो आएँ इसका विज़िट करते हैं। आज मेरे साथ पाकिस्तानी भाई भी हैं जो कि मेरे साथ विज़िट करेंगे इसको, तो इनका भी मैं आपको तारुफ करवाता हूँ साथ साथ। ये जी अहमद भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? और ये साथ हमारे हैं एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और नई जगह पे आए हैं फैसल भाई के साथ, और देखते हैं, हम विज़िट करते हैं किस तरह लगता है आज। तो आएँ चलते हैं, विज़िट करते हैं आगे, इंशाल्लाह आज का टूर भी बहुत अच्छा रहेगा। ये देखें, हमने टिकट्स ले लिए एंट्री के लिए, और ये एंट्री का रास्ता है। ये थोड़ा सा रेनोवेट हो रहा है, इस वजह से ये शीट लगा के एक साइड को उन्होंने बंद किया हुआ है, और ये पुरानी पिक्चर्स उसके ऊपर पेस्ट कर दी हुई हैं। ये मेन डोर है, मेन एंट्रेंस से हम इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना टिकट स्कैन करना है, ये स्कैन हो गया। ये अब हम पैलेस के कंपाउंड में हैं। वो जो सामने बड़ा सा नज़र आ रहा है वो पैलेस का मेन हिस्सा है। ये मैं पैलेस से आपको बाहर सिटी दिखा रहा हूँ, जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी पैलेस के अंदर खड़े होके। मेन एंट्रेंस है प्रिंस पैलेस का, ये हम डोर से एंटर हो रहे हैं, और वो सामने जो है प्रिंस का पैलेस है। इनके ऊपर लिखा हुआ है कि इनके ऊपर चढ़ना या बैठना मना है। ये जो दरमियान वाली सीढ़ियां बंद की हुई हैं, ये प्रिंस और प्रिंसेस के आने जाने के लिए होती हैं, पब्लिक के लिए ये साइड वाली सीढ़ियां होती हैं। टूरिस्ट गाइड हैं जो कि टूरिस्ट आए हुए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रही हैं पैलेस के बारे में। यहाँ से आसानी से मिल जाते हैं गाइड भी। आइए प्रिंस के पैलेस को अंदर से भी देख लेते हैं। वैसे तो अंदर जाना मना होता है, ये ग्रिल लगी हुई है सामने लकड़ी की। पैलेस की सारी बनावट जो है वो सेम पुराना, जिस तरह हमने पहले देखा है ख्योंगबुकखुंग पैलेस, सेम वैसी ही बनाई हुई है, क्योंकि ये एक ही रूलर टाइम पे बने हुए हैं। आए ऊपर सीढ़ियां चढ़ के देखते हैं कि रेजिडेंस किस तरह के होते थे पहले, घर किस तरह के होते थे। तो
तो ये देख लें, ऊपर छतें कोई इतनी ज़्यादा ऊंची बड़ी नहीं होती थी। ये रेजिडेंस है, पैलेस की एक साइड का व्यू करवाता हूँ आपको। ओवरऑल ये आप देख लें, ये सारा क्योंकि एक ही तर्ज के बने होते हैं तो पता नहीं चलता कि किस तरह की कौन सी चीज़ हम देख चुके हैं और क्या देखा है हमने। वो दरमियान में जो है वो मेन पैलेस है। ये पैलेस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल से एक गार्डन भी जो पैलेस के अंदर ही बनाया हुआ है, तो अभी इसको भी मैं व्यू करवाता हूँ आपको। जो सामने वाली आपको जगह नज़र आ रही है, ये पार्क का ही जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये गार्डन सा, यहाँ पे एक अभी रॉयल गार्ड परेड होगी, उसके बाद फोक म्यूज़िक डांस और जो इनका कल्चरल डांस है उस वो भी होगा, तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। ये जी शो स्टार्ट हो गया है, आइए इसको देखते हैं। ये यूरोप स्टाइल का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट अभी प्ले किया है। फोक डांस स्टार्ट हो गया कोरियन, तो इसको भी देखते हैं और इंजॉय करते हैं। ये जी कोरियन फोक म्यूज़िक है, इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे भी, आते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये आर्टिस्ट आ गए, ये परफॉर्म करेंगे ये कोरियन फोक म्यूज़िक के ऊपर।
मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि ये जो लकड़ी का तख्ता है साथ इसके अंदर एक सुराख है। ये जो भी परफॉर्मर आगे गई है ये परफॉर्म करते हुए डांस करते हुए अपने हाथ से एक चीज़ थ्रो करेगी, अगर वो उसमें से गुजर जाता है, नहीं गुजरा ये देखें गिर गया, अगर वो उसमें से गुजर जाता है तो इनको फूल मिलेंगे, अगर नहीं गुजरता तो अभी ये इसके फेस के ऊपर जो है वो पेन से या पुराने ज़माने में जो कलम होते थे उनसे इसके फेस के ऊपर मूछें बना रही है। ये देखें वो बना रही है उसके फेस के ऊपर, वो दूसरी से भी नहीं गया था उसके फेस के ऊपर भी बना रही है। ये नेक्स्ट आई है देखते हैं इससे चला गया है। ये फ्लावर वाली के पास आगे खड़ी होगी है, वो दूसरी भी कर रही है, वो देखते हैं उससे जाता है कि नहीं जाता, वो उससे नहीं गया, गिर गया नीचे। फ्लावर वाली के पास खड़ी हुई है, इसको फ्लावर देगी और दूसरी दोबारा पेन वाले के पास चली गई है, वो कलम से उसके फेस के ऊपर मूछें बना देगी। ये देखिए उसको फ्लावर मिल गए और वो परफॉर्म करते हुए वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये ख़त्म हो गया आज का प्रोग्राम भी, यहाँ से ये देखें लोग जा रहे हैं सारे, और ये मेरे साथ दोनों भाई एहसन भाई और अहमद भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, और तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए। जी अहमद भाई क्या बोल रहे हैं बताइए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आए। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।